ये है सबसे बड़ी बात इसमें, और भी दिल से जो तुम करोगे ना उसका रिजल्ट होगा ही, ये मेरा विश्वास है। ये तो सरप्राइज ही है ना, ये अभी बोल देंगे तो जी ये तो पूरा ही सरप्राइज। आप लोग आइए देखिए। लेकिन ये जो पोस्टर जो आपने देखा, एक्चुअली पूजा शर्मा एक किन्नर ब हिजरा आप लोग जो भी नाम दिए, ये कहाँ से शुरू होते हैं? और वो तो ऐसे ही नहीं आते ना, इसका जो मेन कहानी और ट्रेन के बारे में बोल रहे हो। आज जो पूजा शर्मा है ये बम्बई लोकल ट्रेन जो 7:40 है लेडीज स्पेशल, उनकी बदौलत बदौलत से ही पूजा शर्मा का जन्म हुआ है। इसीलिए सर ने मेरी कहानी सुन के, मेरी बात सुन के वही नाम दिए। और मैं बहुत खुश हूँ। आप लोग को पता नहीं, आप लोग एक बार जब आओगे देखोगे तब आप लोग को पता चलेगा सार कितना बिजी है। फिर मुझे नहीं लगा सार को इतना पसंद आए, हम लोग पूरा सब शॉक्ड है। सार इतना खुश हो गए, सार इतना शॉक है तो हम आसानी से तारीफ नहीं करते। मुझे पता है जब विजन दादा ने बोला जी सार बहुत खुश हो गए, और मैं बहुत नॉर्मल इंसान हूँ, इतना कुछ समझते नहीं, जो मन में आए वही बोलती हूँ। लेकिन जब दादा मुझे समझाया जाए सार बहुत खुश हो गए, तो मैं इतना खुश हो गई जे वो सार तो बहुत सारे मूवी देखे हैं, बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। फिर ये नॉर्मल एक मेरे एक नॉर्मल इंसान की बात सुन के एक डायरेक्टर आके, वीरेंद्र दादा दीदी आके, वो कैसे जुबान की भाषा सुन के एक लीग मतलब लिख के स्किप हो जाता है। मतलब ये मतलब जुबान की भाषा सुन के एक मूवी बन सकता है, एक ड्रामा बन सकता है। मैं इतना शॉक्ड गई जिस दिन दादा ये इंटरव्यू लेने आए थे, वो पूछने आए थे, ऐसे ऐसे नॉर्मल बातें कर रहे थे। फिर एक हफ्ता के बाद दीदी दादा बोल रहे थे दीदी हो गया मैं आऊँ सुनाने। दादा थोड़ा एक दो हफ्ता, एक दो हफ्ता हमने लिया था, एक दो महीने। लेकिन दादा आप विश्वास नहीं करोगे, मैं सुनने का ताकत नहीं हो रहा है। मेरी सुन बोला जो वो बात दीदी कितना दिल से मुझे फील किया है, ये सबसे बड़ी बात, ये अच्छी बात है, ये सबसे बड़ी बात जो एक नॉर्मल इंसान को वो मेरी बात सुन के वो इसको इज्जत दिया और दिल से फील किया, ये है सबसे बड़ी बात। इसमें और भी दिल से जो तुम करोगे ना उसका रिजल्ट होगा ही, ये मेरा विश्वास है।